हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। देखिए, यूएसडी आईएनआर में एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ओके, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज बाय विनय भंडारी। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल है हमारा हेजिंग स्ट्रेटजी, इसमें जो जुड़ी है। ब्लॉग है विनय भंडारी और हेजिंग स्ट्रेटजीज बाय विनय भंडारी, तो दोनों ब्लॉग में आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें। ट्विटर हैंडल बाय हेजिंग, व्हाट्सअप नंबर 9699646408। तो सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें। ओके, चलिए हम चलते हैं कहाँ, यूएसडी आईएनआर की ऑप्शन चेन में चलते हैं। देखिए, ये आ गए हम एनएससी की साइट में और यहाँ आप देखेंगे यूएसडी आईएनआर में हम आ गए हैं और 24 फरवरी का हमने ऑप्शन चेन, ये देखिए 24th और फैब का ऑप्शन चेन हमने चूज़ करा है। इसमें ही हम नीचे चलते हैं और हम स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे उसे समझिएगा पूरा प्रॉपर तरीके से और नोट कर लीजिएगा, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। फिर आप चेक भी करिए कि स्ट्रेटजी में कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है आगे जाके, तो उसके हिसाब से आप चेक भी करते रहिएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हम हैं 73, ये जो कॉल है इसे हम करेंगे बाय। 73 के कॉल को हम बाय करेंगे एक लॉट, सही है। 73 के कॉल को एक लॉट बाय करेंगे और 73.25 ये वाले कॉल को हम शॉर्ट करेंगे एक लॉट, सही है। दोनों एक एक लॉट करना है हमने। 73 का कॉल बाय कर लिया, 73.25 का कॉल हमने शॉर्ट कर दिया एक एक लॉट। अब इसके साथ हम आ जाएंगे 74 के कॉल में। अब ये जो 74 का कॉल है इसे हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन इसके तीन लॉट शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, तीन लॉट इसके शॉर्ट करेंगे 74 के कॉल के। हमने क्या करा, 73 का कॉल एक लॉट बाय करा, 73.25 का कॉल हमने एक शॉर्ट करा और 74 का कॉल हमने एक लॉट शॉर्ट करा। अब इसके साथ इतना ही नहीं करना है, नीचे की तरफ 73.50 ये वाला जो पुट है इसे भी हम शॉर्ट करेंगे, इसे भी एक लॉट शॉर्ट करेंगे। बस इतना हमने ट्रेड लेना है। अब ये ट्रेड बनाने के बाद हमारे को प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, वो हम अपनी एक्सेल में जाके देख लेते हैं, जो हमारा हेजिंग एक्सेल है वहाँ देख लेते हैं। अब अच्छा, इसमें बनाने के लिए व्यू क्या है हमारा वो मैं बताया था आपको। इसमें हमारा व्यू है कि जो फरवरी की क्लोजिंग आएगी वो 73 से 74 के बीच में क्लोजिंग आएगी, ये हमें लगता है। ऐसा हमारा जो व्यू है कि 73 से 74 के बीच में क्लोजिंग आ सकती है और इससे पहले भी हमें बेनिफिट मिलेगा। हमने एग्ज़िट लेना है तो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक वेट करें, पहले भी प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट हमें एक्सपायरी में ही होगा। ओके, अब ये स्ट्रेटजी को हम अपनी एक्सेल में डाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या प्रॉफिट लॉस होगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारी हेजिंग एक्सेल की तरफ। देखिए, हेजिंग एक्सेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनय भंडारी। आप अगर हेजिंग स्ट्रेटजी बस इतना भी सर्च करेंगे टेलीग्राम में हेजिंग स्ट्रेटजी तो भी आपको मिल जाएगा, आप लोगों देख लीजिएगा उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ अपडेट्स हमारी तरफ से रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ पोल्स हम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि अगर हम ये स्ट्रेटजी बनाते हैं तो क्या प्रॉफिट लॉस होगा, तो उसका भी आप एजुकेशन के हिसाब से जुड़ के थोड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। और देखिए, डर्वस बॉक्स थ्योरी का भी हमने यहाँ पर अपना पोस्ट डाल रखा है, ये हमारे ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। आप अगर सर्च करेंगे गूगल में जाके हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनय भंडारी, तो आप हमारे ब्लॉग में आके ये डर्वस बॉक्स के हिसाब से भी कैश में काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते बहुत ज़्यादा रिस्क लेना तो कैश में आप प्रॉपर थोड़ा थोड़ा शेयर्स लेके काम कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं हमारी हेजिंग एक्सेल की तरफ। देखिए, ये आ गए हम हमारे हेजिंग एक्सेल में और यहाँ पर कुछ और डला हुआ है जैसा आपको दिख रहा होगा, तो लेकिन हमने क्या काम करना है, हमने काम करना है यूएसडी आईएनआर में। तो पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं सब जो स्ट्रेटजी यहाँ पर डली है, फिर हम अपनी एंट्री कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से एक्सेल का यूज़ लेते हैं। बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यूज़ ले रहे हैं पहले से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम डिलीट कर लेंगे सब, फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे
कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ अब सब डिलीट हो गया। अब देखिए हम आ जाते हैं स्ट्राइक प्राइस में, सही है, हम आ गए स्ट्राइक प्राइस में। अब स्ट्राइक में हमने क्या स्ट्राइक लेना है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं 73 का कॉल। इसका प्रीमियम कितना है 73 के कॉल का, यह है 0.1675, ये इसका प्रीमियम है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कॉल, CALL लिख देना है। और ये क्या कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं, सही है, बाय कर रहे हैं। तो बाय के लिए हम क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, ये हमने बाय कर लिया। ऐसे ही हम आ जाते हैं सेकंड, हमने क्या करना है 73.25, ये कॉल, इसका प्रीमियम है 0.1275, इसे हम कर देंगे शॉर्ट कॉल को एक लॉट, सही है, इतना ही करेंगे हम। एक लॉट हमने शॉर्ट कर दिया, 73 का कॉल बाय करा, 73.25 का कॉल हमने शॉर्ट कर दिया है, जैसे कि आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये हमने शॉर्ट कर दिया। अब इसके साथ हमने क्या करना है, 74 के कॉल में जाना है, तो यहाँ 74 का कॉल डाल देते हैं हम। क्या डालना है हमने स्ट्राइक में, 74 के कॉल का प्रीमियम है 0.04, कॉल कर देते हैं, इसे भी हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट के लिए हम 0 करते हैं। लेकिन हमने क्या बोला, इसके 3 लॉट शॉर्ट करेंगे, तो हम 3 लॉट कर देते हैं 74 का 0.04, कॉल कर दिया और 0 कर दिया, सही है। एक लॉट और शॉर्ट करेंगे 74 का कॉल 0.04, यहाँ हमने फिर से कॉल लिख दिया और इसे भी हमने 0 कर दिया, सही है। देखिए अभी हमने कॉल साइड की एंट्री कर ली सारी। अब हम क्या करेंगे, पुट, एक पुट भी हमने शॉर्ट करना है। जो पुट है वो कौन सा शॉर्ट करना है, 72.50 स्ट्राइक प्राइस का पुट, जिसका प्रीमियम है 0.05, इसे हम PUT, देखो यहाँ पे पुट के लिए PUT लिखना है, PE नहीं लिखना है, और कॉल के लिए CE नहीं लिखना है, CALL लिखना है, ये बात भी ध्यान रखना, कॉल के लिए CALL और पुट के लिए PUT। अब इसे भी हमने 0 कर दिया, बस इतना हमने ट्रेड लेना है, सही है, ये ट्रेड हमने बना लिया अपना। अब हम इसमें नीचे एंट्री करेंगे, डिफरेंस हम कर देते हैं 10 पैसे का, क्या करेंगे हम 10 पैसे के लिए 0.10, और एक्सपायरी फ्रॉम हम कर देते हैं 75, अगर 75 तक जाएगा USD INR तो क्या होगा, एक्सपायरी फ्रॉम का मतलब इतना है कि अगर 75 तक जाएगा तो क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा। अच्छा लॉट साइज 1000 का है तो मैं यहाँ पे 1000 करके पहले देखेंगे, लेकिन हम एक एक लॉट में तो काम नहीं करने वाले हैं, अगर हमने पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा क्वांटिटी अच्छी लेंगे जिससे थोड़ा सा रिवार्ड हमें अच्छा मिले। पहले मैं 1000 का बता देता हूँ, जो बहुत ही छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास कम फंड रहता है, जो 10-15-20 हज़ार में काम करने चाहते हैं USD INR में, तो इस तरह से कर सकते हैं, सही है, जिनके पास बहुत कम फंड है। मेरे को बहुत से लोग व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर प्लीज़ इस तरह से स्ट्रेटजी बताइए कि कम फंड में भी काम हो जाए, तो कम फंड में आप इक्विटी में मत जाइए, डेरिवेटिव में मत जाइए, USD INR में काम करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज मत बनाइए। अगर आपके पास 10-20 हज़ार है तो कुछ मतलब नहीं है काम करके, USD INR में करिए, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन रिस्क भी कम रहेगा। देखो अभी मैंने एक एक लॉट के हिसाब से बनाया है, तो हम 73 यहाँ आपको दिख रहा होगा 74.30 के नीचे हमारा लॉस स्टार्ट हो रहा है, जो लगता नहीं है कि 74.50 के नीचे जाएगा, हमें ये भी नहीं लग रहा है कि 74.50 के नीचे आएगा USD INR, हमारा व्यू ऊपर की तरफ है, 73 से 74 के बीच में आ सकता है, यहाँ पे आता है तो हमारे को 380 रुपीस मिल जाएगा प्रॉफिट। देखो नॉमिनल बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट है 380 रुपीस का, ओके, ये एक एक लॉट के पीछे है, एक एक लॉट अगर हम बनाते हैं तो 380 रुपीस का हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमारा लॉस शुरू हुआ है 74.10 के बाद, 74.10 के बाद जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारा लॉस ऊपर जाएगा तो शुरू होगा, ऊपर की तरफ लॉस शुरू है 74.10, और अगर ऊपर चले गया तो अनलिमिटेड लॉस है। देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो अनलिमिटेड, धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा लॉस हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा व्यू नहीं है कि 74 के ऊपर जाएगा, इसलिए हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं।
और नीचे में हमारा रिस्क है 74.30 के नीचे, वो नीचे भी रिस्क अनलिमिटेड है क्योंकि हमने पुट एक बेचा है, नीचे उतना रिस्क नहीं है, कम है लेकिन इतना नीचे नहीं जाएगा। अब यही सेम चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर अपने लॉट्स बढ़ा लेते हैं तब क्या होता है। जैसे चलो मैं 10-10 लॉट की बात करता हूँ, अगर हम 10 लॉट में बनाते हैं ये स्ट्रेटजी तो क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब 10 लॉट तो जिस पे कम फंड होगा वो नहीं कर सकता, ऐसा ही है, वो 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 लॉट बनाते हैं तो हमारे को इसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ये मिल जाएगा 3800। एक लॉट के पीछे हमें 380 मिल रहा था, तो एक जीरो बढ़ा दिया उधर, तो एक जीरो यहाँ बढ़ गया, हमारा 3800 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल जाता है अगर ये स्ट्रेटजी हम बनाते हैं तो। वो मैक्सिमम प्रॉफिट है 3800, हमें 3800 नहीं देखना है, हमारे को मिनिमम अगर ये भी मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो हमारे को रिटर्न चाहिए, हमारे को हमारे इन्वेस्टमेंट के पीछे, हमारी ट्रेडिंग के पीछे रिटर्न चाहिए। रिटर्न कम होगा तो चलेगा लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। अब ये हमने बना ली पोजिशन, लो रिस्क स्ट्रेटजी है, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आपको थोड़ा साइज़ बढ़ा करके दिखा देता हूँ, बस इतना ही आपको काम करना है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि किस तरह से एक्सेल का यूज़ लेना है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है एक्सेल का यूज़ कैसे लेना है, तो वो भी आप समझ में आ गया होगा आपके। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा जो भी नए लोग हैं, और जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए उनसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है शेयर मार्केट के, आपके पहचान वाले हैं, थोड़ी नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।